गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज क्लास 7 का मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक है आपके डेसिमल्स। इसमें पहले देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सभी के सभी डेसिमल में दिए हुए हैं, हमें इनको जो है सो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। इसमें से मैं 6 क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसकी हेल्प से, अब बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंट एट देखिए, पॉइंट के लिए हम 1 लिखते हैं, अब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट 8 है तो उसके लिए 0 लिखा गया, तो कितना हो गया, पॉइंट हट गया 8/10। ये दोनों 4 से डिवाइड है, तो 2 5 10 और 2 4 8, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/5। उसी तरीके से आप 0.75 को पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के लिए 1 होगा और 2 डिजिट है तो बाय 100 हो जाएगा, यानी 75/100 उसको आप डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से 0.06 है, 2 डिजिट है तो 6/100। ओके, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इसमें डेसिमल में दिए हुए हैं, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए 5.6 है, तो यहाँ पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 56/10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 28, यहाँ 2 5 5 10 तो 28/5 हो गया। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो 28 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 25, रिमाइंडर कितना हुआ 3, तो कोसेंट 5 आया, उसको यहाँ रखें रिमाइंडर को ऊपर में और जो डिविजर है उसको नीचे में, 5 होल 3/5। इस तरीके से आप बाकी सारा क्वेश्चन भी को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल, आपको देखिए यहाँ सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए 47/10, यहाँ 10 है 0 है, इससे हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है 47 को 10 से, तो देख लीजिए 10 4 जा 40 और 7 को उतारते हैं तो यहाँ 0 जब डालते हैं तो यहाँ पॉइंट डालते हैं, तो 10 7 जा 70, तो यहाँ कितना हो गया 4.7, 3 होल 2/5, 5 3 जा 15 और 2 17/5, यहाँ भी 17 को 5 से, 5 3 जा 15, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, 2 पे 0 डालिएगा तो पॉइंट, 5 4 जा 20, तो 70/5 = 3.4। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके।